मत। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हुए मिथ्या भाव, तज तिन को साचे भजो यह हित हित उपाव, यह हित हित उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टूडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवा अधिकार, और इस छठे अधिकार में कुदेव कुगुरु और कुधर्म के निरूपण की चर्चा बहुत विस्तार से पंडित जी साहब ने की है। इस संबंध में कुदेव कौन होते हैं और कुदेवों का क्या स्वरूप है, यह चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ चल रही थी, और काफ़ी विस्तार से हम इस प्रकरण को आपके बीच में देख चुके हैं कि आखिर कुदेव कौन हैं। पहले ही वाक्य में टूडरमल जी साहब ने कह दिया था कि कुदेव कोई और नहीं है, कुदेव कोई पर नहीं है, कुदेव कोई पर द्रव्य नहीं है, कुदेव कोई पर देवी देवता नहीं है, उनके संबंध में जो तुम्हारी मान्यता है उसका नाम कुदेव है। इसलिए भाई अपनी मान्यता को सुधारने का प्रयास करें, अपनी मान्यता को बदलने का प्रयास करें। हमारी मिथ्या मान्यता बदलेगी तो ग्रहित मिथ्यात्व जाएगा। देवी देवताओं के संदर्भ में, परमात्मा के संदर्भ में, ईश्वर के संदर्भ में हमारे दिलो दिमाग में जो गलत धारणाएं बैठी हुई है वो पूरी की पूरी गलत धारणा ग्रहित मिथ्यात्व है। इस संबंध में व्यंतरादि देवों के निषेध की चर्चा की, पहले काल्पनिक देवों के निषेध की चर्चा की, फिर व्यंतरवासी देवों की निषेध की चर्चा की, फिर भवनवासियों में पद्मावती क्षेत्रपाल आदि की चर्चा की, बीच में ज्योतिष देवों के निषेध की चर्चा की। यदि कदाचित कोई व्यक्ति यह कहे कि वैमानिक देव, तो बोले सौधर्मादि इंद्रों में भी पूज्य बना नहीं है, उसकी चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से हुई। ये सब प्रकरण काफ़ी हो चुके थे, और कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हमने आपके बीच में चलाया था कि देखो अज्ञानता, देखो मिथ्यात्व की महिमा। क्या करें भाई, बड़ा होकर के, स्वयं श्रेष्ठ होकर के भी जो अपने से हीन दिखाई देते हैं उनको भी वंदन आदि करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ अकल नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है। दुनिया में नहीं होता कभी ऐसा, दुनिया में तो ऐसा देखा जाता है जो अपने से हीन हो उनको वंदन नहीं करता। दुनिया में तो ऐसा देखा जाता है ये तो मेरे से छोटा है, मैं इसको क्यों वंदन करूंगा, और यहां मूढ़ होकर के त्रियंचों को पूजने लग जाता है, मूढ़ होकर के दवातादिक को पूजने लग जाता है, अचेतन को पूजने लग जाता है। पता नहीं कैसी कैसी मिथ्या चेष्टाएं चलती है, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, स्वरूप का पता नहीं है इसलिए इस प्रकार की मिथ्या मान्यताएं होती है, स्वरूप का पता नहीं होने के कारण। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि को भी पूजता है ना, तो स्वरूप का पता नहीं है इसलिए विपरीत मान्यता दिखाई देती है। कहीं कहीं तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब इनको पूजता है क्षेत्रपाल आदि को, पद्मावती आदि को, मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को रात जगाते हैं, पता है क्या करते हैं, पद्मावती माता की गोद भराई करते हैं। गोद भराई जानते हैं क्या होता है, माँ बनने वाली है वो, गोद भराई का कार्यक्रम रखते हैं उनका। अब उनको कौन ये बात समझाए
कि पद्मावती देवगति की जीव है और देवगति में गर्भज जीव होते ही नहीं है। देवगति में गोद भराई जैसी व्यवस्थाएं होती ही नहीं है। देवगति के जीवों में तो माने उपाध जन्म होता है। मैं कैसे बनेगी परिस्थिति बोलो, अब कोई कहे तो पता लगे, ये न तो कोई किसी को कहता है न कोई सुनता है। बहुत सालों से कहता हूँ मैं ये बात, एक बार देखा था मैंने किसी के यहाँ और कोई आयोजन रख रहे थे इस तरह का, और वो ऐसा ऐसा आयोजन था। हाँ भाई, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विचार विवेक रखो भैया, ठीक है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। संदेश भाई स्पॉट लाइन पर नहीं हूँ शायद, मैं लगातार आप ही दिख रहे हैं शायद पब्लिक को। देखिए तो चर्चा चल रही है यहाँ पर, बिना विचारे कर रहा है। इष्ट कार्य यदि होता है तो उनका श्रेय देवी देवताओं को दे देता है, कार्य अनिष्ट हो जाता है तो कहता है उनको पूजा नहीं था इसलिए हो गया, और उनको पूजते हुए भी जितने भी अनिष्ट कार्य होते हुए दिखाई देते हैं उनको गिनता नहीं है। कल मैंने एक बात कह दी थी आप लोगों के बीच में कि भाई साहब इतना अनुमान तो हमारा ही चल जाता है कि 10 में से 5 सही हो जाएंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 तैयार करके जाते हैं और 5 एग्जाम में मिल जाते हैं, इतना अनुमान तो हमारा चलता है बोलो आप। लेकिन 10 में से कोई एकाध बात भी उनकी कही हुई हो जाए ना, देखो देखो उन्होंने कही थी, देखो देखो उन्होंने कही थी, भाई साहब क्या करें, अपने राग का पोषण कर रहा है, अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, कुछ भी समर्थ नहीं है। परद्रव्य तेरा सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण अहम प्रश्न खड़ा होता है, वो क्या है कि साहब बात तो ठीक है आपकी, 174 नंबर पेज पर अंतिम लाइनों में प्रश्न उठाया, ग्रंथ खोलिए 174 नंबर पेज देखिए, कह रहे हैं यहां कोई कहे कार्यकारी नहीं है तो न हो, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, उनके मानने से कुछ बिगाड़ भी तो नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो दुनिया कहती है, पूरी दुनिया ये कहती हुई दिखाई देती, अपना क्या बिगड़ता है यार, अपने बाप का क्या जा रहा है, एक नारियल ही तो चढ़ाना है, अपना क्या बिगड़ रहा है, हाथ ही तो जोड़ना है, अपना क्या बिगड़ना है, मस्तक ही तो झुकाना है, अपने क्या फर्क पड़ गया, मंदिर से बाहर निकल रहे थे बाहर थी और हाथ ही तो जोड़ना है, इसमें क्या हो गया, इसमें फर्क क्या पड़ गया। भाई श्रद्धा लुट रही है, भाई मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, भाई वे कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। हम क्या बताएं आपको, यदि वे ही करने में समर्थ हो तो हमारे पुण्य पाप कर्म का क्या होगा, और जैन परंपरा का मार्ग तो वीतरागता का मार्ग है। सुनो, जब साक्षात जिनेंद्र देव करने में समर्थ नहीं है तो फिर ये रागी द्वेषी देवता कैसे कर लेंगे, कभी सोचा है आपने ऐसा। जिस काम को साक्षात मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हो उस काम को उनके पीए कैसे कर देंगे, जिस काम को करने के लिए वो समर्थ नहीं हो साक्षात मिनिस्टर, उस काम को साधारण आदमी कैसे करने के लिए हाँ कर देगा और कैसे करा देगा, वो ही नहीं करा सकता है। हम कह रहे हैं जिस काम को साक्षात इंदो वाते जिनेंदो वा, कार्तिकेय स्वामी की गाथा है हमारे सब विद्यार्थी विद्वानों को सबको याद है, बोलो सबको पता है ये क्या, जम जस जम्मी देशे जेण विहानेण जम्मी कालम भी नादम जिनेण नियदम जम्मम वा एव मरणम वा, तम तस्य तम्मी देशे तेण विहानेण कम्मी कालम भी को सक्क दिवारे धूम इंदो वाते जिनेंदो वा एवं जोण इच्छे दो जान दी दवाणी सब पजाए सो सदिट्टी सुद्धो जो संख दी सोहु कुद दिट्टी। स्पष्ट कह दिया इंदो वाते जिनेंदो वा, अरे इंद्र और जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है, वस्तु स्वरूप का विचार तू कर, न तो इंद्र टालने में समर्थ है न जिनेंद्र टालने में समर्थ है। ये कहता है भगवान तो वीतरागी है इसलिए वो तो नहीं करते, लेकिन ये रागी है ये तो कर सकते हैं ना। पता है मैं कितने विकल्प आते हैं मेरे को जब मैं इन बातों के बारे में सोचता हूँ, इतनी इतनी तरह की बातें खड़ी होती है मेरे दिलो दिमाग में,
अभी यदि मैं कहना शुरू करूं ना तो सिर्फ वही बातें यदि आपको बताता रहूं तो आपको लगे कि यार ये वास्तव में बात तो सही कह रहे हैं, कैसी गजब की बात है। मुझे एक बात बतलाइए, आपको थोड़ी सी काम करने की कोई जिम्मेदारी दे दी जावे, बोलो हार्दिक भाई, तो माथे पे थोड़ा सा तो प्रेशर रहता है ना, जिस काम को करने की जिम्मेदारी हमारे माथे पर हो, क्या हाँ थोड़ी सी तो रहती है। और थोड़ा और काम माथे पे लाद दिया जाए, तो आपसे ये कह दिया जाए कि आप घर में हो, घर का काम भी करना है और ऑनलाइन ऑफिस का काम भी संभालना है, तो डबल बर्डन हो गया ना माथे पर। और फिर कोई समाज का व्यक्ति आकर के कहे आईएएस जैन साहब कि साहब आपको ये काम भी निपटाना है, तो चलो ठीक है कर लेंगे, आप इतना कह रहे हो तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कहे नहीं नहीं साहब ये काम भी निपटाना है, तो आपको ऐसे लगने लगता है यार क्या क्या करूं और किस किस का करूं मैं, होता है कि नहीं ऐसा। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, देवी देवताओं के संदर्भ में आप अकेले तो नहीं हो अपनी डिमांड रखने वाले, दुनिया भर में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं ना, उनके पास में अपनी एप्लीकेशन लगाने वाले, वो किस किस को देखेंगे और वो किस किस का काम करेंगे बताओ मेरे को, और बेचारों की क्या हालत हो जाएगी, सोचो जरा, कल्पना करो आप। थोड़ा सा काम करने की जिम्मेदारी माथे पर होती है तो हम बावले हो जाते हैं, और सारे दुनिया भर के आज इसका काम आ गया, आज इसका काम आ गया, आज इसने एप्लीकेशन लगा दी, अब ये भक्त आ गया है, यार क्या क्या करूं यार, किस किस को जाकर के संभालूं, उनका देवत्वपना कर्मचारी बन करके रह जाएगा। वे जो देव है उनका देवत्वपना किस काम का होगा, वो देव हैं कि तुम्हारे नौकर हैं, वे देव हैं या तुम्हारे सर्वेंट हैं, आदेश देता है उनको। और ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में देखी जाती है, आदेश की अवहेलना हुई तो उन्हें कहता है मूर्तियां तोड़ देता है, हटा देता है उनको, क्या कर रहा है भाई, विचार विवेक नहीं है रंच मात्र भी। हम यहां ये कहना चाह रहे हैं थोड़ी सी अपनी गांठ की अकल लगाओ तो बात समझ में आवे। आज तो पार्श्वनाथ भगवान का दिन, मोक्ष सप्तमी का दिन है ना आज, समय शिखर जी जाकर के आए, हम तो अभी 2 घंटे पहले अर्घ चढ़ा करके आए, वहां पार्श्वनाथ भगवान की ठोंक पर चले गए। और पार्श्वनाथ भगवान तो है ही वही जो मेटो मेटो जी, संकट हमारा, हमारे संकट को मेटने वाले दिखाई देते हैं पार्श्वनाथ भगवान। तो ऐसा लगता है पार्श्वनाथ भगवान सारे भगवानों में सर्वश्रेष्ठ क्यों, सबसे ज्यादा नाम दिखता है भाई साहब, सोचना जरा एक बार गंभीरता से। ऐसा लगता है कि 2400 तीर्थंकरों में ये पार्श्वनाथ भगवान सबसे ज्यादा फेमस क्यों हो गए, बोलो। जब कभी मैं देखता हूं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में पार्श्वनाथ भगवान, चूलगिरी वाले पार्श्वनाथ, अनिंदा पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, मक्षी पार्श्वनाथ, बनड़िया पार्श्वनाथ, यहाँ के पार्श्वनाथ है, चिंतामणि पार्श्वनाथ, अहिक्षेत्र पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, शिखर जी वाले पार्श्वनाथ, कितने कितने भगवान पार्श्वनाथ 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 भगवान दिखाई दे रहे हैं। सप्तमी अष्टमी शामिल है ना आज, कल चिट साथ शामिल मान ली किसी ने, समझ लो आप जो भी है, आज की थी हमने तो पूजन। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई साहब, एक बार गंभीरता से आप विचार करो, क्या ये पार्श्वनाथ भगवान इतने फेमस क्यों हो गए। मुझे तो एक ही कारण दिखाई देता है, पार्श्वनाथ भगवान को फेमस करने में भी कमठ का ही योगदान है। क्या यदि कमठ का उपसर्ग नहीं हुआ होता तो पार्श्वनाथ भगवान को कौन याद करता, फिर तो वैसे ही हो जाते जैसे दूसरे भगवान है, मल्लीनाथ स्वामी है, नमीनाथ स्वामी है, बोलो अभिनंदन नाथ भगवान है, अजितनाथ भगवान है, संभवनाथ भगवान है, सुमतिनाथ भगवान है, कितने कितने लोग सुमतिनाथ भगवान को कब कब अर्घ चढ़ाते हैं। ऐसा लगता है पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करने वाले। कितनी बड़ी गलत फहमी में है, कितने बड़े धोखे में है हम लोग कि पार्श्वनाथ भगवान कुछ कर देंगे। जब वे ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपना ही उपसर्ग दूर करने संबंधी विकल्प नहीं किया। और सुनो, तुम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हो ना मोक्ष सप्तमी, तुम पार्श्वनाथ भगवान का दिवस मना रहे हो ना, तुम पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हो ना, सुनो जरा मैं क्या कहता हूं तुम्हारे को, जो काम पार्श्वनाथ भगवान ने संकट दूर करने के लिए किया, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो वही काम तुम्हारे द्वारा भी किया जाना चाहिए।
बोलो, वही काम तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए यदि तुम उनके सच्चे भक्त हो तो। कि साहब समझ में नहीं आई भाई साहब हमारे को, आप कहना क्या चाहते हो, हमें बतलाओ। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ तो उन्होंने क्या कहा, मुनि अवस्था में थे, अतुल्य बल तो जन्म से था उनके, क्या उन्होंने ऐसा किया? देख भाई कमठ, 5 मिनट देखूंगा तेरे को, 5 मिनट के अंदर अंदर यदि तू मान गया तो ठीक है, तब तक तो शांति से देख रहा हूं, और उसके बाद में तुझे पता नहीं है, मैं भी देख लूंगा तुझे, बदला ले लूंगा, हमें कमजोर समझ रखा है क्या तुमने? ऐसा हुआ होगा? बोलो, आप सोचिए जरा क्या किया पार्श्वनाथ भगवान ने। वो उपसर्ग किए जा रहा है और पार्श्वनाथ भगवान उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख रहे हैं, उसकी तरफ से ओले और पत्थर बरस रहे हैं, और पार्श्वनाथ भगवान उसकी तरफ नहीं देख करके अपने स्वभाव की तरफ देख रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने आप को देखा, और जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उसका उपसर्ग बंद हो गया, अपने आप जो होना था जो हो गया। धर्मेंद्र आ गए, पद्मावती आ गए, जो कुछ भी हुआ होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब तो स्पष्ट रूप से यह है कि पार्श्वनाथ भगवान ने उसकी तरफ देखना बंद करके अपने आप की तरफ देखा। हम यही कहना चाहते हैं, जब आपके ऊपर संकट आता है तो आप भी किसी दूसरे की तरफ देखना बंद करो और अपने आप की तरफ देखो। आत्मा के ऊपर संकट नहीं आता, मैं चैतन्य जीव तत्व हूं, मेरे ऊपर संकट नहीं आता, मेरे ऊपर उपसर्ग नहीं होता, मेरे ऊपर किसी की चलती नहीं है, कोई मेरा बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। क्या सोचो एक बार गंभीरता से, सिर्फ विचार करने के लिए बिंदु मैं दे रहा हूं आपको, सिर्फ विचार करके देखो, जो काम पार्श्वनाथ भगवान ने किया वो काम हमें करना है। उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को जाना। उन्होंने क्या काम किया, अपने आप को पहचाना। उन्होंने क्या काम किया, उपसर्ग के काल में अपने अंतर में लीन हो गए। ये काम पार्श्वनाथ भगवान ने किया, और अब हम हैं उनके सच्चे भक्त। अब हम क्या करें बोलो, हमें भी वही काम करना है। जो जिनका भक्त होता है वो उनके अनुसार काम करता है। यदि हम उनके सच्चे भक्त हैं, हम भक्त कहलाने के लायक नहीं है। सोचो आप, पार्श्वनाथ भगवान ये कहते हैं, मूर्ख मेरे से ही शिक्षा ले लेता, दुश्मन के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, मुझसे ही पूछ लेता थोड़ा सा, जो मैंने नहीं किया, और तू होता कौन है परद्रव्य में चलाने वाला? पार्श्वनाथ भगवान यदि आज उतर करके आ जाएं तो डांट लगाएंगे स्पष्ट हमारे, कितनी कठोरता होगी बोलो। पार्श्वनाथ भगवान बचा लेंगे, पार्श्वनाथ भगवान बचा लेंगे। सच्ची घटना सुनाता हूं आपको, सजल भाई अपने जो था ना ये अपना शिखर जी वाला कार्यक्रम स्वर्ण जयंती का, सच्ची घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना। कार्यक्रम चल रहा था अपना, और पहाड़ पर लोग वंदन करने के लिए जा रहे थे, स्वर्ण जयंती 2016 अक्टूबर की बातें शायद, है ना। तो पहाड़ पर एक व्यक्ति को ऊपर सर्प काट गया, समय शिखर जी पहाड़ की बात कर रहे हैं, सच्ची घटना बतला रहा हूं। बच्चे को एक 20-22 साल का लड़का था, और 20-22 साल के लड़के को सांप काट गया एक व्यक्ति को। अब सांप काट गया तो फिर क्या हुआ? समी शिखर जी पहाड़, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक वहां है ऊपर थोड़ी सी पास में, और सांप काट गया है, और सांप पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह, और साक्षात पार्श्वनाथ भगवान आ गए इसके लिए। पता है क्या हुआ, ले गए ऊपर। हर्षवर्धन जी साहब आपने सुनी होगी पहले घटना मेरे से, देखो ऊपर ले गए उसको पार्श्वनाथ, और वही बचाएंगे यार, पार्श्वनाथ भगवान के पास में ले चलो। डॉक्टर नहीं दिखे, उपचार नहीं दिखा, नीचे लेकर के नहीं उतरे डॉक्टर को दिखाने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर चरणों में ले जाकर के उसको लिटा दिया। और फिर पता है क्या हुआ, पार्श्वनाथ भगवान ने बुला लिया अपने पास। लोग ऐसा कहने लगे, क्या वो तो कहां बुलाएंगे अपने पास में, परलोक सिधार गया। बचाने के लिए नहीं आए पार्श्वनाथ भगवान, बचाने के लिए नहीं आए कोई भी देवी देवता। समझ में नहीं आ रही है इसको बात, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। तबीयत खराब हो गई है तो डॉक्टर के पास जाता है कि भगवान के पास में जाता है? भगवान पे कहां है तुझे भरोसा, कुछ भी नहीं होने वाला है। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। हे पार्श्वनाथ भगवान भूल मत जाना, देखो तुम्हारा सच्चा भक्त हूं,
भूलिए नहीं कद। अरे भगवान नहीं भूल जाए कि हम भगवान को नहीं भूल जाए? अर्थ तो समझ क्या कहना चाह रहा है जो अर्घ चढ़ा रहा है उसमें? ऐसा लगता है अर्घ चढ़ाते समय ऐसी भावना भर रहा है, हे भगवान भूल मत जाना बस, हे भगवान आपकी सेवा करता हूं रोजाना, आप मत भूल जाना मेरे को, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बना करके रखना। अरे मूर्ख, उसका सही अर्थ तो ये है कि हे भगवान भूल कभी नहीं जाऊं आपको, भूल ये नहीं कदा, हे भक्तों भगवान को कभी मत भूल जाना, ये कहना चाहते हैं। और भगवान को नहीं भूल जाने का मतलब क्या होता है? भगवान की वीतरागता को याद करना। भगवान को नहीं भूल जाने का मतलब होता है भगवान की सर्वज्ञता को याद करना। कहता है मेरा क्या बिगड़ता है क्या? हे भगवान, तो कभी कहता है भगवान तेरा क्या बिगड़ता है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, ऐसा बोलता है भगवान तेरा क्या बिगड़ता है। और कभी कहता है अपना क्या बिगड़ जाएगा यार, हाथ जोड़ ले, में अपना क्या बिगड़ जाएगा, कुछ होश नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। टोडरमल जी की वे पंक्तियां पीछे पड़ी थी अपन ने, बावले की तरह बातें बनाता है क्या, पागल की तरह बातें बनाता है। मुझे पार्श्वनाथ भगवान की पूजन नहीं समझानी है, ये तो प्रसंग आज बीच में आ गया, इसलिए थोड़ी बहुत बात कह दी मैंने आप लोगों के बीच में। देखिए यदि बिगाड़ नहीं हो तो हम किस लिए निषेध करें? 175 नंबर पेज, हम काहे को निषेध करें तेरा यार, यदि ये बिगाड़ नहीं होगा तो हम क्यों निषेध करेंगे तेरा, ये तो बता। बिगाड़ होता है, बिगाड़ होता है, इतने दिन से तुझे रोज रोज समझा रहे हैं और उसके बावजूद भी तू ये कह रहा है अपना क्या बिगड़ता है, बिगाड़ हो रहा है तेरा। अरे श्रद्धा लुट रही है उसका तुझे पता नहीं है, थोड़ा सा पैसा हो ना जेब जेब कट जाए तो उस पर ये डरता है, नहीं नहीं आजकल जेब बहुत कट रही है, आजकल मोबाइल बहुत हाथ रोड पर चलते हुए, भाई साहब आजकल मोबाइल से बात करते हुए मत चलो, आप बात करते हुए जा रहे हैं बाइक वाले छीन करके ले जाते, ये चैन वगैरह और ये सब सेट वगैरह पहन करके आप जाते हो ना, ये चैन पुलिंग बहुत होती है आजकल, ये महंगे सेट पहन करके रोड पर और पैदल, नहीं 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 ऐसा मत करो, छीन करके ले जाएगा व्यक्ति, डरता है, जोखिम भरी हुई चीज ले जाता है उससे डरता है। और तेरी जो श्रद्धा जो इतनी कीमती है कि जो तुझे भगवान बना सकती है यदि सम्यक हो जाए तो, उस श्रद्धा के लुट जाने का विचार विवेक नहीं है। बोलो, ये श्रद्धा लुट रही है ना, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है भाई साहब। ये चमत्कारों के नाम पर किसे लूट लिया गया? हमारी श्रद्धा को लूट लिया गया, हमारे ज्ञान को लूट लिया गया, हमारे चारित्र को लूट लिया गया, हमारे अभिप्राय और हमारी मान्यता को लूट लिया गया। ये महामिथ्यात्व का पोषण होता है। निषेध नहीं हो तो हम मना क्यों करें, माना बिगाड़ नहीं हो तो निषेध क्यों करें, ऐसा लिख रहे टोडरमल जी। परंतु एक तो मिथ्यात्वादी दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, मिथ्यात्व दृढ़ हो गया मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है भाई साहब, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है, यह बड़ा बिगाड़ है। और दूसरे पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, यह बिगाड़ है। देखो क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो रहा है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से दूर भाग रहा है, सम्यक दर्शन तेरा दूर हो जाएगा, मोक्ष मार्ग की तुझे प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वेद विज्ञान नहीं होगा, मुनि दशा नहीं होगी, सहज अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं होगा, भाव बढ़ रहे हैं, कोड़ा कोड़ी सागरों का बंधन हो रहा है, जन्म जन्मांतरों के लिए भटकेगा, ये भाव चला गया तेरा तो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। बोलो, एक इंद्रियों को पूजन करके एक इंद्रिय में जाने की तैयारी हो रही है? एक इंद्रियों आप किसके आगे मस्तक झुकाते हो? ये छोटा सा प्रश्न है, दिल पर हाथ रख करके कहना, किनके आगे आपका मस्तक अपने आप झुकता है? बोलो, हमारा मस्तक झुक रहा है साहब, किसके आगे आपका मस्तक झुकता है? अपने आप, जो सम्माननीय दिखाई देते हैं, जो पूज्य दिखाई देते हैं, जिनके जैसा बनने की भावना होती है। और यार कोई मिनिस्टर होगा ना, तो कोई जो नेता जैसा लड़का लोग होंगे कोई, तो मिनिस्टरों के पैर छुएंगे, कोई शिक्षा का प्रेमी विद्यार्थी होगा तो अपने गुरुजनों के पैर छुएगा, कोई मेडिकल लाइन में जा रहा होगा तो अच्छे बड़े डॉक्टरों के पैर छुएगा, उसे लगेगा इन जैसा बनना है,
इस जैसा डॉक्टर बनूंगा मैं, इस जैसा इंजीनियर बनूंगा मैं, इस जैसा वकील बनूंगा मैं, इस जैसा विद्वान बनूंगा मैं, ऐसी भावना होती है ना। तो तू टोडरमल जी के वाक्य के आधार पर कह रहा हूं, तू जो एकेंद्रियों के आगे मस्तक झुकाता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि तू आगामी पर्यायों में एकेंद्रीय बनने की भावना भरा है। एकेंद्रीय के मस्तक झुका करके, त्रियंचों के आगे मस्तक झुका करके ऐसी भावना भरा है, क्योंकि पूज्य समझ रहा है ना उसको, जिसको तू पूज्य समझ रहा है, बोल वो पद तुझे प्राप्त हो जाए। गाय को तू पूज्य समझ रहा है और तुझे गाय अवस्था की प्राप्ति हो जाए, ये तुझे अहित नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं नहीं साहब फिर भी साहब देव है, साहब अपने से बड़े तो है। अरे तू देव देव की बात कर रहा है, तेरे से पहले न मालूम वो एकेंद्री में चले जाएंगे पूछते पूछते ही, अभी भी क्या ठिकाना है बताओ मेरे को। धर्मेंद्र और पद्मावती के संबंध में तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वे इस समय भवनवासी देव हैं, लेकिन ऋषभ देव से लेकर के बाकी भावी तीर्थंकरों के संदर्भ में जो उनके यक्ष यक्षिणी आदि हैं, उनके तो वर्तमान में देव गति में होने की संभावना भी कम है। सोचना थोड़ा सा, मैं कर्णम योग की अपेक्षा से बात कह रहा हूं, बात समझना, क्योंकि भवनत्रिकों के अंदर आयु 10-20-50,000 वर्षों की होती है। बोलो कितने कितने आयु होती है इनकी, बतलाओ मेरे को। मिनिमम आयु है 10,000 वर्ष की, वैमानिकों में नहीं भवनत्रिकों में 10,000 वर्ष की आयु है, 25,000 वर्ष की आयु है, 50,000 वर्ष की आयु है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 वर्ष की आयु हुई, ये छोटी छोटी सी आयु है इनकी, मिनिमम होती है 10,000 वर्ष की। अब जो धर्मेंद्र और पद्मावती हैं, ये तो हुए थे पार्श्वनाथ भगवान के काल में, और पार्श्वनाथ भगवान का काल है लगभग, अभी से माने मोटा मोटा रफली आइडिया दे रहा हूं तो 3,000 वर्ष का काल मान लो आप, क्या 2600 वर्ष करीब भगवान महावीर स्वामी को हो गए। महावीर स्वामी के जन्म से करीब करीब 178 वर्ष पहले हुए थे, महावीर स्वामी के निर्वाण से 250 वर्ष पहले उनके निर्वाण का अंतराल था, 178-200 उनके जवानी की अवस्था मान लो, पार्श्वनाथ स्वामी के 300 मान लो आप, तो लगभग 3,000 वर्ष पहले की बात हो गई। धर्मेंद्र और पद्मावती ऊपर गए, भवनवासी बने, नीचे गए, ऊपर नहीं नीचे, भवनवासी है ना, तो वो तो होंगे भी उस पर्याय में। अब लेकिन पार्श्वनाथ से पहले जब नेमिनाथ भगवान की बात करते हैं, क्या, तो बहुत पुराना काल हो गया, और नेमिनाथ से पहले नमिनाथ की बात करते हैं, तो उनके जो यक्ष यक्षिणी आदि होंगे, जिन्हें आप सेवक और भक्त, भगवान के भक्त मान करके पूजन करने की सोचो, हो सकता है वो वर्तमान समय में वहां से आयु पूरी करके एकेंद्री में, निगोद में, स्थावरों में, समझ में आ रही है बात, कहां चले गए, तुम तो उन्हें पूज रहे हो और वो पृथ्वी का एक बनकर के जगत में बैठे। कर्मानुयोग से बात कह रहा हूं, आगम प्रमाण से बात कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है। अरे ऋषभ देव भगवान के यक्ष यक्षिणी जो भी होंगे, अरे यक्ष यक्षिणी होते क्या है, क्या है यक्ष यक्षिणी बतलाओ मेरे को। यक्ष यक्षिणी का मतलब ये है, आज हमारी सभा के मुख्य अतिथि कौन थे, अजय जी मेरठ है ना, 3-3 लोगों को बनाया था ना मुख्य अतिथि, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो अभी सभा थी तो जो मुख्य रूप से हैं उन्हें कह दिया हमने यक्ष, उनके समावचरण के, सब तीर्थंकरों के समावचरण के अंदर मुख्य श्रोता ये थे। अब मुख्य श्रोता का मतलब क्या है, मुख्य श्रोता क्या होते, मुख्य श्रोता का मतलब ये है प्रमुख रीति से बैठते हैं बस सामने, और क्या लेना देना है, इतना ही तो है। तो यक्ष यक्षिणी जो थोड़ी भक्ति की प्रधानता जिनकी थोड़ी ज्यादा दिखाई थी, वे प्रमुख हो गए, भैया ये प्रमुख है, इतना सा है। अब वे किसी का भला कर देंगे, वे किसी का बुरा कर देंगे, वो तो बेचारा अपने ही बुरा होने से नहीं बचा पाए, वो किसी का क्या भला करेंगे। अब चक्रेश्वरी आदि है, और समझ लो पहले वालों की बात करो आप, पता नहीं कौन से भाव में है वर्तमान में, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय देवगति के थे, लेकिन आज के समय में तो नहीं है ना। बोलो, उनको पूज पूज करके, उनकी भक्ति करके स्वयं नरक जाने की तैयारी कर रहा है, कुछ भी होश नहीं है, बिना विचार विवेक के काम हो रहा है भाई साहब। ये अंध भक्ति का काम बहुत खतरनाक है, अंध भक्ति तो ऐसी है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी अंध भक्ति है
कि बाबाओं के खिलाफ सारे षड्यंत्र खुल जाते हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, और उसके बावजूद भी हजारों लोग उनके समर्थन में खड़े रहते। ये हाल है, चारों तरफ से अपराध सिद्ध हो गए बाबाओं के, सब सिद्ध हो गए, और गवर्नमेंट ने, पुलिस ने पकड़ लिया और जगत में जेल में डाल दिया उनको, ये गवर्नमेंट सजा सुना दी, सब कुछ हुआ, और सारी जनता को पता है, पब्लिक को पता है, उसके बावजूद भी अंधभक्त बुद्धि के पत्थर पड़े हैं, और क्या करें, क्या बिगड़ गया, तेरा तेरा सर कोई सड़ा नारियल है, ऐसा कहते हैं दादा, जगत भोला है, सही कह रहे हो सुनील जी भाई साहब, सर्राफ, जगत भोला है भाई साहब, कुछ मतलब नहीं है, गोरख धंधा चल रहा है। देखो 175 नंबर पेज पर, ये महाबिगाड़ है कि मोक्ष मार्ग दुर्लभ होता है, ये कितना बड़ा बिगाड़ है, ये बिगाड़ ही नहीं समझ में आता है इसको, तो बिगाड़ ये समझ में आता है 2-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो इसे लगता है बिगाड़ हुई हमारा, 2-5 करोड़ का नुकसान हो जाए तो कहते बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अरे तेरे ये 2-5, 10-50 करोड़ सबके सब यहाँ धरे रह जाएंगे, और यहाँ से तू चलता बनेगा, और एकेंद्रीय में जाकर के हजारों वर्ष की आयु लेकर के वहां टंगा रहेगा, वनस्पति में जाकर के झाड़ जैसे ऐसे लटकता रहेगा, तुझे वो तेरा बिगाड़ नजर नहीं आ रहा है, वो कितना बड़ा बिगाड़ है, एकेंद्री में जाकर के जन्म ले लेगा, ये बिगाड़ नजर नहीं आ रहा है, इन भवनत्रिकों की गति कैसी होती है आप जानते हैं, एकेंद्री पर्याय है इनकी गति, परसेंटेज नहीं कहना चाहता हूं लेकिन 99.9999999999999 लगाते जाओ, 0.00000000 करके कहीं एक आएगा ऐसा, असंख्यात में एकाद ऐसे होते हैं जो सैनी पंचेंद्री होते हैं, मनुष्य होते हैं, बाड़ा है एक इंद्रियों में जन्म लेने का, भवन त्रिको में ये हाल है, बोलो ते चय थावर्तन धरे, भू जल तरुवर, पृथ्वी कायिक हो जाता है, जल कायिक हो जाता है, वनस्पति कायिक हो जाता है, अग्नि और वायु कायिक नहीं होते देवगति के जीव मर करके, ये नियम है, कोई भी देवगति के जीव मर करके अग्नि कायिक नहीं होते, कोई भी देवगति के जीव मर करके वायु कायिक नहीं होते, विकलत्रय भी नहीं होते, या तो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश या मनुष्य, और या फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, इन तीनों में वनस्पति में चले जाता है, झाड़ बन जाता है, एकेंद्री बन जाता है, पृथ्वी कायिक हो गया जाकर के, प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों नहीं होते, नियम है इसी तरह का, देवगति के जीव नरक में भी नहीं जाते, ये सब शाश्वत नियम है इस तरह के, वो भूमि के जीव जैसे मरकर के नियम से देवगति में ही जाते, देव लोग नरक में नहीं जाते, नारकी लोग देव में नहीं जाते, व्यवस्था है इसी प्रकार की, ऐसी योग्यता है, पर्यायगत योग्यता है, कर्म भी उनके इसी प्रकार से बंधते, एक इंद्री पर्यायों में जाने का कर्म बांध लेता है। अब वो तो बेचारा जिनको तू महान समझ रहा था ना, क्या जिनका नाम लेकर के तू छूटने की कोशिश कर रहा था कि ना वो मुझे बचा लेंगे, वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं, उनके बारे में स्टेटमेंट दिखाया पुलिस वाले ने, अधिकारी ने, ये सुन 15 मिनट पहले की खबर है, उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया है, और तेरा उनसे रिलेशन है क्या बता, तेरा यदि रिलेशन हो तो तेरे को भी साथ में भेज देते, नहीं नहीं मेरा कोई रिलेशन नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं, समझ में आ रही बात, ये कह रहे अरे जिन देवताओं को तू मान रहा था उनको अभी थोड़ी देर पहले एकेंद्री पर्याय में भेज दिया गया है, उन्हें एकेंद्री पर्याय की सजा सुना दी गई है, अब बता तेरा उनके साथ में रिलेशन है क्या, यदि तेरा उनसे रिलेशन है तो चल तुझे भी एकेंद्री, नहीं मेरा कोई रिलेशन नहीं, अरे तेरा बिगाड़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है तेरे को, कैसे समझाएं, ये बिगाड़ हो रहा है ये। और दूसरा क्या है, पाप बंद होने से आगामी दुख पाते हैं, भला तो होगा नहीं, आगामी दुख के कारण बनेंगे, भविष्य में भी तो दुख होगा, पाप कर्म भी तो बंधेगा, ज्ञान के ऊपर आवरण भी तो आएगा, दर्शन मोह भी तो बलिष्ठ होगा, पुष्ट होगा, मिथ्यात्व कर्म भी तो सॉलिड होगा, सुदृढ़ होगा, उसे क्यों नहीं पहचान रहा है तू, देखो प्रश्न उठा रहे हैं, टोडरमल जी का बड़ा गजब का प्रश्न है, थोड़ी बहुत चर्चा करके पूरा ही कर लेते हैं इसको, कल गुरुओं की चर्चा प्रारंभ करेंगे।
और बड़े गजब की गुरुओं के संदर्भ में तो गजब ही की बातें हैं, ऐसी लौकिक बातें आएगी आपकी हमारी, जिन बातों को हम लोग करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, वे सब बातें आएगी इनकी। देखिए, मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धान आदि होने पर होते हैं। पहले कही थी परिभाषा पंडित जी, हमें याद है आपके द्वारा चौथा अध्याय पढ़ाया था, वो अध्याय हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। चौथे अध्याय के प्रारंभ में मिथ्या दर्शन की आपने परिभाषा बतलाई थी, अतत्व श्रद्धान आदि मोह के उदय से अतत्व श्रद्धान आदि भाव होते हैं, उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये कह रहे हैं यहां, और पाप बंध प्रश्न क्या है, मिथ्यात्वादी भाव तो अतत्व श्रद्धान से होते हैं और पाप बंध खोटे बुरे कार्य करने से होता है, तो उनके मानने से मिथ्यात्वादी कैसे हो जाएंगे और पाप बंध किस प्रकार से हो जाएगा। हमने उनको पूजा है तो चोरी थोड़ी ने की है, हमने उनको पूजा है तो कहीं डाका डाल दिया है क्या, हमने यदि उनको पूजा है तो हमने कौन सी किसी की हत्या कर दी, हिंसा कर दी, पाप कर दिया, व्यभिचार कर दिया, कौन से व्यसनों का सेवन कर दिया, हमने क्या गलत कर दिया ये तो बताओ। तो पाप तो हम कर नहीं रहे हैं, इसलिए पाप बंद होता है, ये बात जच नहीं रही है। और मिथ्यात्व होता है अतत्व श्रद्धान से, तो यहां तत्वों के संदर्भ में क्या गड़बड़ी हो गई। अरे तत्व के संदर्भ में गड़बड़ी ये हो गई कि तूने वस्तु स्वरूप को नहीं पहचाना। बोलो, वस्तु स्वरूप को नहीं पहचान रहा है, ये सबसे बड़ा अनर्थ है। इसके बारे में क्या कहें हम, जैसे पद्मावती की गोद भराई के बारे में कही ना हमने, शास्त्र तो पढ़ो किसी देवगति जीव के बारे में। कभी कभी तो ऐसा भी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य गति का होकर के, पुरुष होकर के मां के कपड़े बदलता है। शर्म आती है तेरे को, समझ में आता है तो क्या कर रहा है, होश है तेरे को, उनको कपड़े पहना रहा है, उनके कपड़े बदल रहा है, किसके, मां कह रहा है तो उनको अपनी माए मेरी, माए मेरी पद्मावती माए, पद्मावती माए, मैं कपड़े तो मैं बदलूंगा, मैं तो सच्चा भक्त हूं उनका, कुछ ठिकाना नहीं है। इसे अतत्व नहीं कहेंगे, इसे खोटी मान्यता नहीं कहेंगे, इसे ना समझी नहीं कहेंगे, इसे मूर्खता नहीं कहेंगे, इसे वस्तु स्वरूप के विपरीत नहीं कहेंगे बात। बोलो, पढ़े जवाब पढ़े टोडरमल जी, दो प्रश्न समझ में आए क्या आपके। प्रथम तो परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है। भाई ये जो तेरी प्रवृत्ति खड़ी हो रही है, ये जो देवादिक के संदर्भ में तेरी वृत्ति है और मान्यता है, कुदेवादिक के संदर्भ में तेरी मान्यता है, वो मान्यता किस वजह से है ये बता, ये मान्यता किस वजह से, वजह क्या है इसका, वजह तो ये मेरा भला हो जाएगा, तो तू परद्रव्य को भला बुरा मानता है, ये मूल में ही भूल बैठी हुई है, मूल में ही भांग पड़ी हुई है। बोल, तूने ये समझ लिया ना कि पैसा आने से मैं सुखी हो जाऊंगा और इनकी भक्ति पूजन करने से पैसा आता है, ये मूल में भूल बैठी हुई है। ये केस में जीत जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और ये देवता ये केस जिता देंगे, ये मान्यता बैठी हुई है ना। बोलो क्या करें, कहां कहां तक उन लोगों से बात करें। उमाकांत जी साहब, ऐसे ऐसे खोटे खोटे लोग हैं, अब उन लोगों की कहां तक अपन बातें करते रहे। सच में पूरे कुएं में भांग पड़ी है। देखो, इष्ट अनिष्ट मानना ही मिथ्या है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी का मित्र शत्रु है नहीं, कोई द्रव्य किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है, ये इष्ट अनिष्टपन की मिथ्या मान्यताएं हैं, और पीछे खूब चर्चा कर चुके हैं अपन चौथे अध्याय में, है ना। जो लोग नए जुड़ते हैं ना, उनको पीछे से एक बार, नए तो साथ में चल ही रहे हैं लेकिन जैसे समय मिले हैं वो पीछे से लाइन टू लाइन पढ़ना सुनना चाहिए, जिससे वो पता लगे कि प्रकरण क्या टोडरमल जी किस तरह से उठा चुके हैं। तथा जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, इष्ट अनिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, उसका कारण पुण्य और पाप है। इसलिए जैसे पुण्य बंद हो पाप बंद न हो वो काम करना। अब तू सोच रहा है भगवान कर देंगे, ये कह रहे हैं पुण्य पाप कर्म की वजह से होता है, काम तो अपने पुण्य पाप कर्म की वजह से होगा, काम तो अपने उदय प्रमाण होगा,
काम तो यहीं से होगा ना, पुण्य का उदय होगा तो काम होते हुए दिखाई देते हैं, और पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं होते हुए दिखाई देते। ये तो पीछे भी पड़ी थी ना पन्ने लाइने इसी प्रकरण में भी 5-7 दिन पहले। तथा यदि कर्म का उदय, कर्म उदय का भी निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंद भी नहीं होता, पाप बंद होता है। सारी की सारी मान्यता ही गड़बड़ है, कुल मिलाकर के ऐसा है। ये कह रहे हैं इष्ट अनिष्ट के जो बाह्य संयोग वियोग थे ना, उनका उपाय क्यों कर रहा है तू? तेरी यदि कर्म के ऊपर दृष्टि हो तो देखो, 3 स्टेप हो गए। नंबर 1 के काम तो पुण्य पाप कर्म के उदय से होता है, ये और इससे ऊपर भी एक नंबर लगा सकते हैं। वस्तु का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, हर वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गमन करती है, अपने वीर्य शक्ति से परिणमन करती है। एक द्रव्यत्व नाम का गुण है, एक वस्तुत्व नाम का गुण है, प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार के गुण है, ये तो स्वाभाविक शक्तियां हो गई। ये तो एक नंबर बात हो गई, टॉप नंबर की बात है ये तो। अब दूसरे नंबर पर बात करो, हमारे साथ में बनने वाली परिस्थितियां, यदि तुझे वस्तु स्वरूप का भरोसा नहीं है तो फिर पुण्य पाप पर तो भरोसा होगा क्या? हाँ, पुण्य पाप पर तो भरोसा है, तो चल ठीक है, पुण्य पाप के उदय के अनुसार काम होगा। मान लिया ना, एक हो गया वस्तु स्वरूप, सेकंड नंबर पर हो गया पुण्य पाप, हमारा काम हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार होगा, बराबर। अब जिनको पुण्य पाप की भी खबर नहीं है तो तीसरे स्टेप पर तो क्या करेगा कि पैसा कमाने के लिए बिजनेस करेगा, पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करेगा। अब ये चौथा प्रकार का जो जीव दिखाई दे रहा है, ये तो महामूर्ख चंद है। क्या? न जिसे वस्तु स्वरूप पे भरोसा है, न जिसे पुण्य पाप कर्म के ऊपर भरोसा है, और न जिसे उपचरित असद्भूत व्यवहार ने के विषयभूत जगत के क्रियाओं के ऊपर भरोसा है, और माथा टेक रहा है इससे हो जाएगा। अब कैसे होगा ये, कैसे होगा? किसी भी प्रकार से होता हुआ ही नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक उनके माध्यम से काम होने की संभावना ही नजर नहीं आ रही है। मैं यदि सुमत जी भाई साहब की शैली में बात करूं ना, कभी कभी जैसी कोई चर्चाएं करते हैं तो ये कहते हैं कि दूध को मीठा करना है क्या, और शक्कर नहीं डालें। अब कितने मंत्र पढ़े बोलो कि दूध मीठा हो जाए, बोलो। 1 करोड़ रुपए का हीरे डाल देवे दूध में और फिर हिलाएं, मीठा होगा कि नहीं होगा? चावड़ा जी साहब बतलाओ, कौन से मंत्र का जाप करें अपन जिस मंत्र का जाप करने से दूध मीठा हो जाए? अब 3 जो उपाय हैं वे तो परमार्थ हैं। पद्मावती 40 पढ़ ले बोलो, इससे दूध मीठा हो जाएगा क्या? 3 उपाय जो मैंने बतलाए हैं वो तो किसी भी रूप में सच्चे हो सकते हैं, निश्चय से, व्यवहार से, उपचरित असद्भूत व्यवहार से उन बातों को कहा जा सकता है। लेकिन जो तू चौथा कह रहा है ना, मंत्र पढ़ना, ये तो कौन पागल खाने में भर्ती कराएंगे तुझे? एक तो वस्तु के परिणमन की बात, दूध का मीठा होने के लिए जो जैसा परिणमन होना होगा, जितनी शुगर डालनी होगी, जितना मिठास होना होगा, जैसा उसका परिणमन होना होगा, एक तो ये वस्तु स्वरूप की बात हो गई। दूसरा तेरा तत्संबंधी उदय चाहिए कर्म का, और तीसरा उस तरह का प्रवर्तन चाहिए, शुगर का डब्बा खोलेगा, चीनी निकालेगा, इसमें दूध के गिलास में डालेगा, चम्मच से हिलाएगा, ये सब तक तो बात जच रही है हमारे को। अब आप लोगों में से, हमारे में से कौन ऐसे समझदार होंगे जो ये कहेगा नहीं नहीं साहब ये सब तो छोड़ो, हम तो ये चौथी बात मानेंगे। कौन सी? ये देवी देवताओं वाली। जैसे दूध मीठा नहीं हो सकता है, जैसे रोटी नहीं बन सकती है, जैसे बिजनेस बुद्धि पूर्वक करता है उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से ये कहीं भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अपनी मान्यता और अभिप्राय बदलो, अपनी श्रद्धा बदलो, ये कह रहे हैं। क्या बतलाएं, पढ़ें आगे। ऐसा निश्चय न हो और इष्ट अनिष्ट के बाह्य कारणों के संयोग वियोग का उपाय करे,
तब तक तो ठीक कह दिया टूडरमल जी ने, उपाय करे संयोग वियोग के बाह्य कारणों का। परंतु 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 कह करके क्या कह रहे हैं, जवाब की चौथी लाइन है, परंतु कुदेव को मानने से इष्ट अनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, बुद्धि दूर नहीं होती है, केवल वृद्धि को प्राप्त होती है, तथा उससे पुण्य बंद भी नहीं होता और पाप बंद होता है। फायदा तो कुछ होगा नहीं और उल्टा नुकसान हो जाएगा। बोलो बोलो वज्र सेन जी साहब दिल्ली से हमारे, क्या होगा? उल्टा उल्टा काम कह रहे हैं। अभी इसको देखो, सीधा सीधा प्यार से समझा रहे थे ना, भला नहीं होता, भला नहीं होता, कुछ करते नहीं है, करते नहीं है, तो इसकी बुद्धि उल्टी चल रही थी। अपना क्या बिगड़ रहा है यार, कर लो यार अपने। कभी ऐसा होता है ना, जैसे अपने बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, हमारे पिताजी दादाजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि भैया एक मंत्र है, एक बाबा है, उनका झाड़ा लग जाता है ना तो सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बोलो क्या करना है? तो ये कहता है मेरा क्या बिगड़ता है यार, मर तो रहे हैं, अब नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे, और संभावना तो है, कर लो ना। और एक ऐसा होता है जो अपने स्वाध्यायी है, वो कहता नहीं मैं तो नहीं करूंगा, चाचा जी आप कर लो आपको जो करना है, मैं तो नहीं करूंगा, फूफा जी ये बेटा 25,000 का खर्चा आएगा, आप चिंता मत करो, 50,000 लगाओ आप कर लो, मैं नहीं करूंगा। तो भैया कृतकारी अनुमोदना का एक समान पाप का है, तू खुद तो नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों से करवाने की तो सोच रहा है ना, स्वयं तो नहीं कर रहा है लेकिन तुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं करवा लूंगा। क्या सब एक समान है? उल्टा कार्यकारी वाली बात टोडरमल जी की बहुत जबरदस्त है, और ये बात यदि दिलो दिमाग में बैठ जाए आज ग्रहित मिथ्यात्व छूट जाए, नुकसान हो जाएगा नुकसान। तू यदि उनके पास में जाकर के रिश्वत देने की कोशिश करेगा ना, तेरा भला तो होगा नहीं, जेल और होगी। बोल देना है क्या तेरे को रिश्वत? नहीं 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 देना, नहीं देना। क्या करना बोल, नक्की कर थोड़ा सा क्या करना है तुझे, क्या अपना क्या बिगड़ता है यार, 2,00,000 रुपये तो लगेंगे, कोई बात नहीं दे देते हैं ना 2,00,000 रुपये में, क्या 2,00,000 रुपये में रुपये तो जाएंगे ही और जेल और होगी। बोल क्या करना है? जेल जेल नहीं 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 तो 100% जेल होगी, तो 2,00,000 रुपये भी जाएंगे और जेल भी होगी। बोल तुझे देना है क्या? नहीं मुझे नहीं देना, मुझे तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं तुझे जेल होगी कर्म बंधन की, ये टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे एकेंद्री पर्याय की जेल होगी, निकला त्रयों के अंदर चला जाएगा, मर करके पृथ्वी जलादि के अंदर चला जाएगा, वनस्पति आदि हो जाएगा, ये जेल होगी। देखो आगे 3 लाइनें और है, 1-2 मिनट में पूरा करता हूं। इनकी मान्यता नहीं ऊपर, तथा कुदेव किसी को धनाधिक देते या छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिए ये बाह्य कारण भी नहीं है। लगता है आपको बाहरी कारण होंगे, जितना प्रकरण पिछले 10 दिनों से चल रहा है इस ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में, उन पूरे में जो बातें कही है ये आपको दिल से जचती है या नहीं जचती है? टोडरमल जी का 68 पेज का वाक्य जो स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव आते हुए को नहीं स्वीकारता, वो कहे हो रहे हुए को क्या स्वीकारेगा? हमारे कहने से क्या स्वीकार होंगे? आप अनुभव करो ना, अनुभव करो। इनकी मान्यता किस अर्थ से की जाती है? देवादिक को क्यों पूज रहे हो? देवी देवताओं के पास में क्यों जा रहे हो? ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण क्यों कर रहे हो? मिथ्या देवताओं को क्यों पूज रहे हो? बोलो। जब अत्यंत भ्रम बुद्धि हो, एक तो भ्रम बुद्धि जीवादि तत्वों के श्रद्धान ज्ञान का अंश भी ना हो, भ्रम बुद्धि है जीवों के तत्वार्थ का, यथार्थ ज्ञान का, वस्तु स्थिति का अंश भी ना हो, और राग द्वेष की अति तीव्रता हो, तब जो कारण नहीं है उन्हें भी इष्ट अनिष्ट का कारण मानते हैं, तब कुदेवों की मान्यता होती है। भरत भाई, कुदेवों की जो मान्यता होती है ये मान्यता तभी होती हुई देखी जाती है जब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कुछ तो भला हो जाएगा, कुछ तो भला हो जाएगा, तो मान्यता में ही खोटा बैठा हुआ है, मान्यता में ही खोट बैठी हुई है। ऐसे तीव्र मिथ्यात्वादी भाव होने पर
मोक्ष मार्ग अति दुर्लभ हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जितना जल्दी हो सके अपनी मान्यता को सुधार लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें अपनी श्रद्धा को बदल लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। आज पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण दिवस पर कह रहा हूं, पार्श्वनाथ के बताए हुए मार्ग पर चलो, भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चलो, वीतरागी संतों दिगंबर मुनिरायों के बताए हुए मार्ग पर चलो, आचार्य कुंदकुंद स्वामी, अमृतचंद्राचार्य देव, बनारसी दास जी, टोडरमल जी, इन्होंने जो मार्ग बतलाया गुरुदेव श्री और दादा के माध्यम से, हमारे को जो ये रास्ता मिल गया है, हमारे को जो ये निधि मिल गई है, हमारे को जो ये तर्क युक्तियां और आंखें खोल देने वाले प्रकरण मिल गए हैं, तब तो हमें अपनी आंखों को खोल ही लेना चाहिए। और फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपनी आंखें मीच करके बंद करके बैठा रहे तो टोडरमल जी का 20 नंबर पेज का वाक्य याद करना, इनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती, मैं क्या कहूं। तो इस तरह से ये देवों संबंधी प्रकरण हमने यहाँ संपन्न किया है। अब गुरुओं के संदर्भ में जो जगत में सारी धारणाएं चलती है, टोडरमल जी ने बहुत सारे आगम प्रमाण प्रस्तुत करके उनका समाधान किया है। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अपना जो कार्यक्रम मैं कह रहा था शिविर खत्म होने के बाद में ये समय बदलने का, मतलब वो पहले वाला ही समय करने का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अभी दादा ने 5-7 दिन की बात कही है, तो अपना जो दादा का प्रवचन जो चल रहा है वो यथावत चलता रहे, और अपना ये 10:15 का जो समय है हम 10:15 बजे ही, अभी रक्षाबंधन के पहले पहले तक यूट्यूब पर चलेगा। कल तक तो शिविर है, तो शिविर तक तो यही है, और उसके बाद जो यूट्यूब पर अपना रेगुलर जैसा चल रहा है, शाम को रात को 8 बजे जो चलता है वो 8 बजे यथावत, और सुबह जो 10:15 बजे चल रहा है, ये 1 तारीख तक हम 10:15 बजे लेंगे, और 2 तारीख से हम 9:15 बजे या 9:20 पर जो अपना जो रेगुलर टाइम जो रूटीन में जो चल रहा है, बरसों से जो टाइम चल रहा है उसी टाइम पर चलाएंगे। ठीक है, बोलो संदेश भाई। वास्तव में इस प्रकरण को पढ़कर हमारे मन में वो पंक्तियां आनी चाहिए कि भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीत रागी को मस्तक झुकाना, ये श्रद्धान मेरा है मेरू समाना, हमें मेरू समान श्रद्धान करना है, ये श्रद्धान मेरा